हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज का न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी को स्वागत है और नया साल का मुबारक सभी दोस्त को। तो आज चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, जिससे अगले चल के आपको कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास जाएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि BS6 का यूरिया टंकी से यूरिया फिल्टर कैसे चेंज किया जाता है। तो ये है BS6 का यूरिया टंकी। तो इसमें आपको खोल के दिखाएंगे कि कैसे यूरिया फिल्टर चेंज होता है। तो दिखा रहे हैं आपको यूरिया फिल्टर कैसे रहता है। ये है यूरिया फिल्टर जो कि टाटा कंपनी का है। इसका प्राइस 2300 आसपास है। तो इसको हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। तो चलिए आपको पहले वायरिंग सिस्टम खोलते हैं, उसके बाद उसका DF का फिल्टर खोल के आपको दिखाते हैं। हमारा साथ में है बाबू भैया, आपको पूरा फिल्टर को चेंज करके दिखाएंगे। तो पहले यूरिया फिल्टर टंकी से पुराना वाला को निकाल रहे हैं, तो आपको पूरा दिखाते हैं कैसे निकाल रहे हैं। निकालने के बाद इसको चेंज करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारा बाबू भैया के लिए एक बार ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को। देख रहे हैं ये पुराना वाला कितना गंदा हो गया है। जहाँ कि हम लोग जहाँ गाड़ी चलता है हम लोग का, वहाँ बहुत सारा धूला उड़ता है, इसलिए कैसे ना कैसे करके डस्ट आ जाता है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। तो इसको चेंज खोलते हैं और इसमें फिर नया इंस्टॉल करेंगे। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और इसमें जो आपको दिखाए थे पहले हमारा फिल्टर कैसा है, तो उसको दिखा रहे हैं। यह जो फिल्टर है इसको फिर इसमें लगाते हैं। देखिए नया DF फिल्टर इसमें नया इंस्टॉल हो जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि माइलेज अच्छा आएगा, गाड़ी का टर्न अच्छा रहेगा, ये सारे चीज़ इसमें निर्भर करता है। ये सब डस्ट होकर जाम लगने के चलते ये सब वैसे होता है, इसलिए इसको जैसे खोले थे आप वैसे ही इसको अंदर घुसा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए बाबू भैया इसको कैसे अंदर घुसा दे रहा है और फिर से टाइट कर दे रहा है। DF फिल्टर के साथ में और एक फिल्टर आता है जो कि ब्रेदर कैप बोला जाता है। तो इसको भी चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो देख रहे हैं कैसे खोला जा रहा है ये ब्रेदर कैप को। इसको खोलने के बाद इसके जगह में नया इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये भी। देखिए ये है वो फिल्टर जो इसमें लगेगा। अभी इसको चेंज कर लेते हैं और चेंज करके आपको दिखाते हैं पूरा सारे चीज़ को। आप लोगों को हम आज दिखाए कि किस तरीके से
BS6 में यूरिया फिल्टर चेंज होता है। तो ये वीडियो में आप लोग को अगर कुछ भी सीख मिला है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो में आप लोग देखें कि हम लोग इसे DF का फिल्टर चेंज किए, सारे चीज़ को आपको वीडियो में दिखाए। तो DF का फिल्टर इसलिए चेंज किया जाता है कि प्रदूषण मुक्त गाड़ी जो हुआ है अभी BS6 में, उसको BS6 में DF का फिल्टर दिया हुआ है। तो आपको दिखाए, बहुत बढ़िया चीज़ से हम समझाए भी। तो आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, जैसे कि आगे चल के हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का वीडियो में इतना ही।